हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई हमने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके अलग अलग तरीके का स्लाइम बनाया हुआ है, लेकिन आज मेरे दिमाग में था कि क्या हम लोग कोलगेट का यूज़ करके स्लाइम बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू मेक स्लाइम विद कोलगेट, क्योंकि जो कोलगेट है वो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ होती है। हम जनरली पानी का यूज़ करते हैं स्लाइम बनाने के लिए, लेकिन आज कोलगेट का यूज़ करके टेस्ट करने वाले हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मेरी पूछे तो मुझे लगता है कि या तो कुछ नहीं बनेगा, या तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, या फिर बहुत ही मजेदार रिजल्ट आने वाला है। आई डोंट नो, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस कमाल के आइडिया के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। दोस्तों ये है कोलगेट टोटल। नॉर्मल कोलगेट का यूज ना करके मैंने सोचा ही कोलगेट टोटल का यूज करते हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, लेकिन भाई मैं ले आया टोटल। तो हम जो है सबसे पहले कोलगेट को बाहर निकालते हैं। ये जो है नॉर्मल कोलगेट से डबल रेट की आती है, हो सकता है अच्छा स्लाइम बना दे। तो इसको खोलते और डालते हैं इस बर्तन के अंदर, और इसके अंदर बहुत ही मजेदार ये पैटर्न होता है, देखो। तो भाई यहाँ पर हमने डाल लिया पूरा 100 ग्राम, 120 ग्राम कोलगेट। इसमें मैं डाल रहा हूँ भाई साहब गरम पानी, और अब हमको इस पानी को करना है कोलगेट में मिक्स। तो भाई यहाँ पर जो कोलगेट है वो पानी में घुल चुकी है। अब हमको चाहिए होगी फेवी गम या कोई सा भी ग्लू हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यार जो फेवी गम है वो काफ़ी बढ़िया से काम करती है। तो ये जो है पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जो है ग्लू डालने के बाद में इसको भी बढ़िया से हम लोग जो है मिक्स कर लेते हैं। तो भाई ये हो चुका है लगभग मिक्स, और जो है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका जो कलर है वो फिर से चेंज हो गया। पहले ये हल्का सा ब्लू था, लेकिन ग्लू के येलो कलर में मिक्स होके अब ये ग्रीन जैसा हो गया, देखो। तो अब बारी है इसमें स्लाइम एक्टिवेटर डालने की, जो कि है भाई बोरेक्स वाटर। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, और अब बारी है इसको जल्दी से मिक्स करने की बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, फटाक से। और यहाँ पर स्लाइम जो है थोड़ा बहुत बन भी गया है, क्या बात है, मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन जल्दी से मिक्स करना ज़रूरी है इसको। चम्मच निकाल लेता हूँ, हाथ से ही लग जाता हूँ। हाँ यार, इसमें हाथ डाल दिया, लेकिन ज़रूरी है। और भाई साहब ये जो है हाथों में चिपकने लग गया। अभी तक 50% कामयाब एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन आई डोंट नो कि पूरा ये जो मसाला है इसमें घुल पाएगा या नहीं, लेकिन जो कुछ भी अभी तक घुला है वो बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे करके जो स्लाइम एक्टिवेटर है वो अपने आप में इस पूरी चीज़ को घोलते जा रहा है। और गाइज लगभग 2 मिनट मिलाने के बाद में यहाँ पर पूरा बर्तन खाली हो चुका है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो स्लाइम है वो बन के हमारे सामने आ चुका है। तो भाई साहब यार दूसरी चीज़ हुई है, मैंने 2 चीज़ें बताई थी, या तो कुछ नहीं होगा और बनेगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। देखो कितना मस्त तरीके से टूटता है। और जब हम इसको मिलाते हैं थोड़ा देर रखने के बाद में ये वापस जो है उसमें ही मिल जाएगा। अरे वाह यार, दोस्तों स्लाइम एक ऐसी चीज़ होती है, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, यानी कि ना तो सॉलिड की तरह बिहेव करता है ना ही लिक्विड की तरह बिहेव करता है। देखो खींचने पर टूट जाता है सॉलिड की तरह, देखो टुकड़ों में, लेकिन जब साथ में रखेंगे तो आपस में मिल जाएगा, बहने भी लगेगा। और भाई साहब ये चीज़ बनी है यार कोलगेट से। यार मैं तो सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हो गया देख के कि एंड जो रिजल्ट है वो हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ है। तो गाइज ये जो स्लाइम है आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब ये बहता तो है लेकिन इतना धीरे धीरे बहता है, देखो ये कितना लंबा हो गया, मतलब बहुत स्लो मूवमेंट करता है, लेकिन देखो ये बढ़े ही जा रहा है। अरे वाह यार, और जब हम इसको एक साथ रखेंगे कुछ इस तरीके से इकट्ठा करके, अरे हाय ये कैसा लगता है, तो ये वापस से सिंगल पीस बन जाएगा, फिर से बह के आपस में ही मिल जाएगा। यार गाइस वास्तव में बहुत ही कमाल की चीज़ है। और देखो
अब ये जो है मिल चुका है आपस में, अब ये जो है अलग नहीं हो सकता, अब ये फिर से सिंगल पीस बन चुका है। क्या बात है। तो भाई साहब अगर आपको आया मजा ये देखने में तो यार इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से बनता है। और यार सही बताऊं तो बहुत तेज कोका कोला की नहीं यार कोलगेट की स्मेल हो रखी है। कोलगेट टोटल की जो मिंट वाली स्मेल है वो चारों तरफ फैल रखी है। मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। ये आप अपने घर पे भी बना सकते हो, बस आपको स्लाइम एक्टिवेटर चाहिए जो कि आपको जो है बोरेक्स यूज करना है। तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।